नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो आपकी हाल ही में वैकेंसी आई है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पीओन की वैकेंसी। तो दोस्तों इसका जो एग्जाम है, इसके एग्जाम का लेवल क्या होता है, इसका पेपर किस प्रकार से आता है, पेपर का लेवल जो होता है या हार्ड पेपर होता है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मैं आपका जो पेपर है वो पेपर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि पेपर आपका कैसा आता है। तो दोस्तों यदि आप इससे पहले इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पीओन एग्जाम, इसमें मैंने आपको जो है जीके के क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 25 क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ, जिसमें से आपको कमेंट सेक्शन कमेंट करके ये बताना है कि आपने आउट ऑफ 25 यानी 25 में से आपने कितने मार्क्स यानी कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसे है। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को किसने पूरा किया था, यानी जो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार उसको पूरा किसने किया था। यहाँ पे उसको बनाने की बात नहीं की, उसको पूरा किसने किया था, यानी कुतुब मीनार आपका अधूरा बन गया, ठीक है, थोड़ा बन गया था, उसका ढांचा बन गया था, उसके बाद उसको पूरा किसने किया, यानी उसको पूरा एकदम कंप्लीट किसने किया। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना और सुनना है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए शमसुद्दीन अल्तमस, ऑप्शन बी है रजिया बेगम, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ऑप्शन डी आपका मोहम्मद गौरी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी शमसुद्दीन अल्तमस ने कुतुब मीनार के काम को पूरा किया था। अब आपसे यदि यही क्वेश्चन पूछा था कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया, यानी किसने इसकी नींव डाली, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होता कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है दोस्तों। तो कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये मेहरौली में स्थित है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, शाहजहानाबाद स्थित है, जो आपका शाहजहानाबाद एक जगह है, यह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी अजमेर में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली में स्थित है शाहजहानाबाद। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जो लाल किला आपका है ना, यहीं पर स्थित है शाहजहानाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः पूजा करते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी विष्णु या ऑप्शन डी ब्रह्मा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पशुपति, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, अश्वघोष किसके दरबार में था। ऑप्शन ए अश्वघोष किसके दरबार में था, यह आपको नाम याद रखना है। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी आपका चंद्रगुप्त मौर्य या ऑप्शन डी आपका हर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कनिष्क, जो अश्वघोष था ये आपका कनिष्क के दरबार में था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था, यानी जो हिंदुओं की पुस्तक है, यानी हमारी जो पुस्तक है रामायण, इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी अब्दुल कादिर बदायूनी या ऑप्शन डी मुल्ला सिरी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर हुआ आपका है ऑप्शन नंबर सी, यानी अब्दुल कादिर बदायूनी। इसने क्या किया था, आपका जो रामायण है, यानी रामायण हमारी किस में होती है, संस्कृत में है, इसका जो अनुवाद किया था इसने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, दोनों में लिखा जाता है या है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद या ऑप्शन डी आपका है अथर्ववेद। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी यजुर्वेद। इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो भारत का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद यानी ऑप्शन नंबर ए, ये भारत का सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा आपसे पूछा जाता है भारतीय संगीत और संस्कृति का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका सामवेद यानी सामवेद को भारतीय संगीत और संस्कृति का जनक कहा जाता है, क्योंकि सामवेद में क्या है कि जो आपकी संस्कृति यानी भारतीय जो संस्कृति और संगीत है इसके जो भी इसके गद हैं यानी जो भी इसके ऊपर पद्धतियाँ लिखी गई हैं वो आपके सामवेद में लिखी गई है। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में और पूछा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे नया वेद कौन सा है यानी सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो ये है आपका अर्थवर वेद ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपको याद रखना है, यानी एक क्वेश्चन से आपके चार क्वेश्चन तैयार होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता हैं, यानी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है हमारा इसकी रचना किसने करी, ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ऑप्शन बी इकबाल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर या ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी इकबाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सोल्डर तार बनाया जाता है, जो आपका सोल्डर होता है वो किससे बनाया जाता है, ऑप्शन ए लैंड वो टीन का, ऑप्शन बी है आपका जिंक वो तांबे का, ऑप्शन सी आपका तांबे वो लेड का एंड ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी लैंड और टीन का बनाया जाता है आपका सोल्डर होता है, जिससे कि टांका लगाया जाता है किसी भी धातु को जोड़ा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, यानी आपको पता होगा यदि आपने जियोग्राफी पढ़ी है तो आपने पता होगा कि जो पृथ्वी की जो भूमि होते हैं जो जमीन होती है इसमें चार पार्ट होते हैं इसके, तो ये पूछ रहा है पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग है यानी सॉरी ये पृथ्वी का पूछ रहा है, मैं आपको जमीन के बता रहा हूँ, तो इसमें जो क्रोड किसका बना होता है, ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी आपका निकल और तांबा, ऑप्शन सी आपका लोहा और जस्ता और ऑप्शन डी आपका लोहा और निकल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी लोहा और निकल का बनाया होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ऑप्शन ए ओसाका, ऑप्शन बी आपका टोक्यो, ऑप्शन सी आपका नागासाकी या ऑप्शन डी आपका याकोहामा। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी ओसाका, यानी इसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी या ऑप्शन सी दामोदर नदी या ऑप्शन डी यमुना नदी। 5 सेकंड का टाइम। बहुउद्देश्य दोस्तों परियोजना का मतलब ये होता है कि एक ऐसी परियोजना जिससे कि बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जाते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं नदी स्टार्ट की जा रही है यानी कहीं मान के चलिए नदी स्टार्ट नहीं किया से कहीं भी नहर अगर निकाली जा रही है तो उस नहर से क्या क्या काम हो सकते हैं, यानी आपका सिंचाई का काम हो सकता है, उससे बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है, तो इत्यादि जो काम है वो किए जाते हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना करती होता है इससे बहुत सारे यानी एक ही उद्देश्य से बहुत सारी योजनाएं करना उसे कहते हैं बहुउद्देश्य परियोजना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी दामोदर नदी, सबसे भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना इस नदी बनाई गई दामोदर नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, यानी बिहू एक नृत्य है ये किस स्टेट का यानी किस राज्य का नृत्य है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी बंगाल। 5 सेकंड का टाइम। ये क्वेश्चन SSC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, SSC में क्या इवन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी असम, जो बिहू है ये असम का प्रसिद्ध लोकप्रिय उत्सव नहीं है, लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट पूछा गया देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया महात्मा गांधी को अर्ध नगन फकीर किसने कहा, आधा नंगा फकीर किसने कहा है,
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी जिन्ना, ऑप्शन सी चर्चिल, या ऑप्शन डी माउंट माउंट बेटन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये आपको शब्द देखना है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए सुवर्णरेखा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, या ऑप्शन सी कोशी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सोन सुवर्णरेखा नदी जो है ये आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, यानी ऐसा कौन सा भारतीय स्टेट है जो कि चीन से इसकी सीमा लगी हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा ये चीन से जुड़ी हुई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? जो धान की खेती की जाती है उसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी, या ऑप्शन डी लाल मिट्टी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोमट मिट्टी। यानी दोमट मिट्टी जो होती है ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है धान की खेती के लिए। दोमट मिट्टी कौन सी होती है? जो कि नदी के पानी के द्वारा बहा के लाई जाती है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है, आपको याद रखना है, इसमें कपास की खेती की जाती है काली मिट्टी में। इसे काली मिट्टी को रेगर मृदा भी कहा जाता है, यानी रेगर मृदा भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिकी विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? यानी भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है, किस वैज्ञानिक को? सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन ए आर वेंकटम, ऑप्शन बी सीताकांत महापात्र, ऑप्शन सी डॉक्टर डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या ऑप्शन डी जयंत नदलिकर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? यानी जैसे ये आपकी पृथ्वी हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, तो इसके बीच में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस होती है वो कब होती है, किस डेट को होती है? ऑप्शन ए 22 जुलाई, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई, ऑप्शन डी 21 सितंबर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 जुलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसे कैंडिडेट बार बार याद करके आता है, उसके बाद भी क्वेश्चन का आंसर गलत करके आता है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऋग्वेद। जो आपका गायत्री मंत्र कहाँ से दिया गया है, किस पुस्तक में? तो ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है? हमारा सबसे पुराना वेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए पर्शियन, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी, ऑप्शन डी पाली। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी देवनागरी। यानी हिंदी जो हमारी है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 23 मार्च। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारा 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, आंध्र प्रदेश की राजधानी है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी चंडीगढ़, या ऑप्शन डी श्रीनगर और जम्मू। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आप केवल अपना माइंड थोड़ा सा लगा के इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद। पटना राजधानी बिहार की, उत्तर भारत में। चंडीगढ़ कहाँ है? ये भी उत्तर भारत में। जम्मू कश्मीर कहाँ है? ये भी उत्तर भारत में। आंध्र प्रदेश कहाँ है दोस्तों? या साउथ में आपका। साउथ में क्या है? हैदराबाद है। हैदराबाद इसकी राजधानी है, डायरेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दमन और दीव की राजधानी है, ऑप्शन ए आइजोल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी दमन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी दमन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है, मनुष्य में जो ऊर्जा आती है वो किसका स्रोत है, यानी उसका स्रोत क्या है, कहाँ से ऊर्जा आती है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य के प्रकाश से, ऑप्शन बी जल से, ऑप्शन सी गैस से, ऑप्शन डी भोजन से। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी भोजन से। जो मनुष्य में ऊर्जा आती है दोस्तों सबसे ज्यादा आती है भोजन से, भोजन से ऊर्जा आती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त हुई। बाकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके ऊपर बनाऊंगा। यदि आपको इसकी मैराथन क्लास चाहिए तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में लिखिए मैराथन मैराथन, तो मैं इस पर नेक्स्ट वीडियो आपकी मैराथन करवा दूंगा, इसमें कि 100 या 150 क्वेश्चन ले देंगे हम, उसमें 100 या 150 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।